आज ऑनलाइन कक्षा में आपको वाच्य के बारे में बतलाता हूँ कि संस्कृत में जो वाक्य हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इन तीनों के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। जो कर्तृवाच्य है उसका कर्मवाच्य में क्या अंतर होता है, भाववाच्य के साथ उसका क्या अंतर होता है, तीनों को हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि ये कर्तृवाच्य का वाक्य होगा, ये कर्मवाच्य का होगा और ये भाववाच्य का। देखिए, कोई भी जो हमारा वाक्य होता है उसमें तीन चीज़ों का होना आवश्यक है। एक कर्ता होता है, दूसरी क्रिया होती है और तीसरा कर्म होता है। अब ये जो तीनों हैं, वाक्य में तीनों का ही प्रयोग हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे पहचाने कि ये कर्तृवाच्य है, या जो कर्तृवाच्य है उसको हम कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन करें, या कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तन करें, इसको हम जानते हैं इसके जो सामान्य नियम हैं उनसे। देखिए, जो भी कर्तृवाच्य होगा उस वाच्य में जो तीनों ही हैं, कर्ता, क्रिया और कर्म, इन तीनों में से कर्ता मुख्य होता है। इसके साथ जहाँ मुख्य कर्ता होगा, क्रिया हमेशा उस कर्ता के अनुसार ही चलेगी, और ऐसी स्थिति में उस कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी, और जो कर्म होगा वो कौन सी विभक्ति में होगा, कर्तृवाच्य में द्वितीय विभक्ति में कर्म होगा। अब जो क्रिया है वो क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। सकर्मक किसे कहेंगे, जिसमें कोई कर्म होता है उसे सकर्मक कहते हैं, और अकर्मक किसे कहेंगे, जिसमें कोई कर्म नहीं हो उसे हम अकर्मक कहेंगे। जहाँ कर्तृवाच्य होता है वहाँ ये सकर्मक और अकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। साथ ही जो धातुएं दो प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी, यहाँ कर्तृवाच्य में परस्मैपदी धातु का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहना जलम पिबती। अब यहाँ आप देखेंगे कि मोहना ये क्या है, कर्ता है, और कर्ता होने के कारण कौन सी विभक्ति यहाँ लगी है, प्रथमा लगी है। यहाँ कर्म क्या है, जलम, कर्म में कौन सी विभक्ति है, द्वितीया, और ये पिबती क्या है, क्रिया, और ये क्रिया किसके अनुसार संचालित हुई है, कर्ता के अनुसार हुई है, और ये परस्मैपदी धातु की है। इसलिए ये वाक्य किसका है, कर्तृवाच्य का है। इसके अलावा यदि हम अकर्मक की बात करें तो अकर्मक में उमा नृत्यति। अब उमा में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, और ये क्रिया किसके अनुसार है, यहाँ उमा के अनुसार परस्मैपदी धातु है, यहाँ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यह अकर्मक है। यह है हमारा कर्तृवाच्य, और दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जब होगा तो चूंकि वहाँ पर भी वही तीन होंगे, कर्ता, क्रिया और कर्म, लेकिन इसमें जो प्रधान होगा वह कर्म होगा, और जब कर्म प्रधान होगा तो कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, और जो क्रिया होगी वह किसके अनुसार संचालित होगी, कर्म के अनुसार संचालित होगी। तो ऐसी स्थिति में वह क्रिया जो कर्म के अनुसार चल रही है तो वहाँ कर्ता भी तो होता होगा। हाँ, कर्ता होता है,
वह कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है। अब देखिए जो क्रिया है वह क्रिया जो दो बताई थी सिर्फ इसमें सकर्मक जो हमारी क्रिया है धातु उसके अनुसार ही होगी। साथ ही वह क्रिया आत्मनेपदी धातु में होती है, जैसे मोहनेन जलम पियते। यहाँ कर्ता है मोहनेन, अब कर्ता में कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? तृतीया, तो यहाँ तृतीया का प्रयोग हुआ है। यहाँ कर्म में कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? प्रथमा, इसलिए यहाँ प्रथमा का प्रयोग होना चाहिए। और जो क्रिया है वो सकर्मक होनी चाहिए और आत्मनेपदी धातु में होनी चाहिए और यह कर्म के अनुसार होनी चाहिए, इसलिए यहाँ ये धातु का प्रयोग हुआ है। अब जब भी कोई वाक्य होगा तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदला जाता है या कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदला जाता है सकर्मक धातु में, क्योंकि यहाँ दोनों में ही सकर्मक का प्रयोग होता है। अब ऐसी स्थिति में ये मैंने पहले भी उदाहरण बताया था कि कर्तृवाच्य में मोहनः जलम पिबति, अब इसको जब हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो कैसा करेंगे कि जो कर्ता हमारा प्रथमा में है कर्तृवाच्य में, तो यहाँ कर्ता कौन से में ले आएंगे? तृतीया में ले आएंगे, तो मोहना की जगह मोहनेन हो जाएगा। यहाँ कर्म का प्रयोग हो गया और जो हमारी क्रिया है वह यहाँ परस्मयी पदी है, तो यहाँ आत्मनेपदी में हो जाएगी। इस प्रकार हम ये कर्तृ से कर्म या कर्म से कर्तृ में वाच्य परिवर्तन करते हैं। और हमारा जो तीसरा है वह है भाववाच्य। भाववाच्य में कर्ता और क्रिया होती है, कर्म नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में जो कर्ता होता है वो कौन सी विभक्ति में होता है? तृतीया विभक्ति में होता है। और जो क्रिया होती है वो इसमें भाववाच्य में स्वतंत्र होती है, और विशेषकर वह क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन में प्रयोग होती है। क्योंकि भाववाच्य में कर्म नहीं होता इसलिए वह क्रिया किस में होगी? अकर्मक होगी, और वह क्रिया आत्मनेपदी धातु में वह प्रयोग होती है। अब जैसे जहाँ अकर्मक जो धातु होती है क्रिया होती है, वह क्रिया कर्तृवाच्य में भी होती है और भाववाच्य में भी होती है, तो जो परिवर्तन होता है वह किस में होगा? कर्तृ से भाव में या भाव से कर्तृवाच्य में। अब हम कैसे परिवर्तन करेंगे? जैसे भाववाच्य में से हम जैसे कर्तृवाच्य में करें तो उमाया नित्यते, तो उमाया में कौन सी हमारी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है, और यहाँ ये आत्मनेपदी धातु है और प्रथम पुरुष की एक वचन की है, तो अब इसको जब हम कर्तृवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो उमाया में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, तो हम प्रथमा में प्रयोग करेंगे तो प्रथमा में क्या होगी? उमा। इसके अलावा यह जो प्रथम ये हमारी आत्मनेपदी की प्रथम पुरुष के एक वचन की है, तो हम चूंकि इसमें तो परस्मयी पदी में परिवर्तन करेंगे कर्तृवाच्य में, तो परस्मयी पदी के प्रथम पुरुष के एक वचन की जो हमारा ये इसका जो रूप बनेगा वो रूप क्या बनेगा? नृत्यते। अब चाहे इधर से कर्तृवाच्य से भाववाच्य में करें तो भी बात एक ही है, इस प्रथमा का इधर हमने तृतीया बना दिया उमाया, और नित्यति का हमने यहाँ आत्मनेपदी करके प्रथम पुरुष के एकवचन में हमने नित्यति बना दिया। ये हमारा है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। धन्यवाद।